नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मेस्सी एनएनडी फर्स्ट सेम। सो टुडे सेशन टॉपिक ऑफ योर कोर्स न्यूट्रिशन इज न्यूट्रिशन ड्यूरिंग स्पेस। ओके, सो इन दिस सेशन वी विल बेसिकली टॉक अबाउट कि जैसे आपके जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं या जो आपके स्पेस में जो लोग साइंटिस्ट जाते हैं फॉर द रिसर्च ऑफ द योर इन यूनिवर्स, तो वो लोग वहाँ पे कैसा न्यूट्रिशन लेते हैं, वो लोग वहाँ पे कैसा खुद को कैसे खुद की एनर्जी या खुद की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल करते हैं। ओके, सो बेसिकली दिस सेशन इज ऑल अबाउट द एस्ट्रोनॉट न्यूट्रिशन और यू मे ऑल्सो से स्पेस न्यूट्रिशन। तो क्या होता है, जैसे ही आप स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में आपके स्पेस क्राफ्ट में रहते हैं, तो स्पेस का एनवायरमेंट क्या होता है, एक तो वेटलेसनेस होती है, आपको पता होगी वहाँ पे आपकी ग्रेविटी नहीं होती, तो उसकी वजह से क्या होता है, आपका जो वेट होता है मतलब वेटलेसनेस होती है। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आपके मतलब हमेशा मतलब विदाउट ग्रेविटी वो लोग क्या रहते हैं, आपके हवा में रहते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, ये ह्यूमन की फिजियोलॉजी को इम्पैक्ट करती हैं। जब आपका ग्रेविटी होता है, आपका सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है, तो जैसे आपने न्यूटन्स लॉ पढ़ी होंगी, तो हमारा जो बॉडी का सेंटर पॉइंट होता है तो उससे हमारी फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। बट वाइल जब जहाँ ग्रेविटी नहीं होती है, जहाँ स्पेस एनवायरमेंट में वेटलेसनेस होती है, तो वहाँ हमारी फिजिकल जो हमारी फिजिकल एक्शंस होते हैं, जो फिजिकल बॉडी के जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्पैक्ट करती है। ऐसे वहाँ पे एक तो आपका जैसे वहाँ का हैबिटेट एनवायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट एस्ट्रोनॉट न्यूट्रिशन मतलब एडिक्वेट एनर्जी इनटेक उनमें होना चाहिए, ठीक है। देर आर मेनी रिसर्चेस हैज बीन डन, बहुत सारी रिसर्चेस की गई थी इससे पता लगा सके कि ड्यूरिंग स्पेस और फ्लाइट कौन कौन से न्यूट्रिएंट आपके एसेंशियल्स रहते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पेस फूड, सो देयर आर वैरायटी ऑफ फूड प्रोडक्ट्स दैट कैन बी यूज्ड इन स्पेस, बट बेसिकली जो कंजप्शन होता है स्पेस फूड्स का, वो आपका किस कंडीशन में होता है, कुक कंडीशन में होता है, बिकॉज दे डोंट हैव लाइक मस्ट सुपीरियर सेटिंग्स, किचन्स और एनी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग्स टू कुक देयर ओन फूड, ठीक है। तो वहाँ पर जितना भी हमारा फूड होता है वो इजी टू कुक या फिर प्री कुक कंडीशन में होता है, या स्टोर्ड फूड होता है, या कैन फूड होता है, ठीक है, जिससे कि वो लोग इजीली उसको कंज्यूम कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। तो जितने भी आपके वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, कैन फूड्स की फॉर्म में होते हैं वो, और कैन फूड्स जो होते हैं वो लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो कैन फूड्स का फायदा क्या होता है, एक तो रेडी प्रिपेयर्ड होते हैं, इजी टू कंज्यूम होते हैं, एंड डजंट रिक्वायर्ड एनी मतलब स्पेशलिटी इन कुकिंग, उनमें ज़्यादा कुकिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, आप गर्म पानी डालिए या कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं कि आप सिर्फ उसको मतलब उसकी लिड ओपन करिए एंड देन आप उसको इनटेक कीजिए। थोड़ा सा पैलेटेबिलिटी टेस्ट में डिफरेंस होता है, बट इट इक्वलेंट टू द नेचुरल फूड दैट इज यू कुक। ओके, तो अदर देन दिस अगर हम स्पेस फूड में देखें, तो द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू बी कंसिडर ड्यूरिंग स्पेस फर्स्ट इज योर कैल्शियम इनटेक, क्योंकि क्या होता है कि बोन और बोन का जो आपका बोन क्या होता है, एक लिविंग टिश्यू होता है, ठीक है, जो कॉन्स्टेंटली आपका रिमोल्डेड होता है, और ये रिमोल्डिंग जो होती है उससे फिर आपका न्यू बोन टिश्यूज फॉर्म होता है। बट क्या होता है, ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट जो रीअब्सॉर्प्शन होता है बोन का, वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे आपका कैल्शियम जो होता है वो बॉडी से डिक्रीज होना स्टार्ट करता है, ठीक है, क्योंकि स्पेस और ट्रैवलर्स में आप लोग जैसे जैसे मैंने बताया था कि आपकी फिजियोलॉजी कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की जो फिजियोलॉजी वो इफेक्ट करती है, तो उससे कहीं ना कहीं आपका जो बोन कंटेंट है वो भी क्या होता है, बोन मेटाबॉलिज्म वो भी इफेक्ट होता है स्पेस ट्रैवलर्स का, ठीक है। तो इंक्रीज बोन रीअब्सॉर्प्शन होता है जिसकी वजह से कैल्शियम का लॉस होता है, और तो इसलिए कैल्शियम का लॉस ना हो सके इसलिए हम उसको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इंक्रीज देते हैं। और सबसे मेजर थिंग ऐसा होता है कि ऐसे विटामिन डी होता है, विटामिन डी आपको स्पेस में नहीं मिलता है, बिकॉज वहाँ पे आपका जो विटामिन डी आपको कहाँ से मिलता है, इट इज बाय द सनलाइट, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप स्पेस में हो, आप 24 आवर्स अपने स्पेसशिप में हो, क्राफ्ट में हो, तो आपको सनलाइट एज सच नहीं मिल पाती है, जो आपको एक सनलाइट रिक्वायर्ड होती है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो इसीलिए आपका कैल्शियम का अमाउंट जो होता है वो आप इसमें यहाँ बॉडी से क्या होता है, डेफिशिएंट होना स्टार्ट होता है, इसलिए कैल्शियम उसमें इंक्रीज देता है। देन द थर्ड पॉइंट इज मसल लॉस इन माइक्रोग्रेविटी कंडीशन, लॉस ऑफ बॉडी वेट कंसिस्टेंसली फाउंड होता है इन स्पेस फ्लाइट और ऑफ एस्ट्रोनॉट, ठीक है। प्राइमरली क्यों होता है, क्योंकि एक तो आपका एडिक्वेट एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं हो पाती है,
प्लस आप वहां पे नॉन ग्रेविटी वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, मसल लॉस देखा जाता है। तो मसल लॉस को अवॉइड करने के लिए प्रोटीन रिच डाइट देते हैं इसमें, ठीक है। प्रोटीन रिच डाइट जो भी होती है आपके, वो कैन फूड से, जो भी आपके स्पेशल फूड्स जो हम स्पेस में रखते हैं, वहां से हम इसको कंज्यूम करते हैं। और एनर्जी रिक्वायरमेंट हम इसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के देते हैं, क्योंकि वैसे ही उन लोगों को ज्यादा एनर्जी नहीं मिल पाती है बिकॉज ऑफ लाइक डिफरेंस ऑफ कुकिंग मेथड, ठीक है। तो इसलिए एनर्जी रिक्वायरमेंट और जितने भी आपके मैक्रो प्रोटीन है, मतलब सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज देते हैं। और अगर माइक्रो की बात करें तो उसमें हम मिनरल्स में कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज करते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल विद द स्पेस न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू।